क्या बात है पंडित जी? वो ऐसा है आज कि सुबह सुबह हमारे घर पे पधारे। अब क्या कहें, आपकी बेटी को देखने सीता नगर वाले आ रहे हैं। आज फोन किया था उन्होंने, वो लोग आज पक्का आ रहे हैं। अरे इस बात बोलने के लिए हलचल मच गई। आप वो आ रहे हैं, आज इंतजाम करना है ना, इसी बात का टेंशन है। मैं यही बताने आया हूँ आज। हाँ बेटी श्रवणी, जल्दी से नाश्ता तैयार करो। घर में कुछ भी नहीं है बनाने के लिए, कॉफी पाउडर भी नहीं है। अब आप ही बताइए मैं कैसे बनाऊँ। ठीक है बेटी, मैं बाहर से कुछ न कुछ इंतजाम करता हूँ, तू जल्दी से तैयार होकर रेडी रहो। ठीक है पिताजी। पंडित जी आप भी मेरे साथ चलो। अरे ये लोग अभी तक क्यों नहीं आए, आ जाना चाहिए था। पता नहीं। विष्णु जी, विष्णु जी। कहाँ है लड़के वाले? लो ये आ गए। नमस्कार, आइए बैठिए। आइए 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 बैठिए। हाँ बैठिए। आइए बहन जी बैठिए। आओ 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 बेटा बैठो जी। इनका नाम जगन्नाथ है। नमस्कार। और ये उनकी पत्नी है सरस्वती। नमस्ते। ये जगन्नाथ जी का एक लौता बेटा है। नमस्ते। इनका नमस्ते, नाम प्रसाद है। सीता नगर में इनकी राशन की दुकान है। मैंने आपकी बेटी के बारे में बताया तो ये फौरन देखने के लिए आ गए। मेरी एक लौती बेटी है और सर्वगुण संपन्न है, मेरे घर पधारे आप, उसके लिए धन्यवाद। हाँ आपके लिए तो अच्छी बात है। एक बार लड़की को भी देख ले तो और अच्छा होगा। बेटी श्रवणी आओ बेटी। सबको धो
मेरी बेटी को घर के सारे काम आते हैं। खाना बनाने आता है, गाना गाना आता है, डांस आता है। क्यों रे, लड़की पसंद आई? आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। लड़की तो महालक्ष्मी है, बहुत ही सुंदर लड़की है। भाई साहब, आपकी लड़की हमें पसंद आ गई। मुझे तो बहुत ही पसंद है। क्यों जी, आपका क्या कहना है? तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अच्छा भाई साहब, हमें लड़की तो पसंद आ गई है, इसलिए आगे की बात करते हैं। अगर आगे की बात जम गई तो रिश्ते की बात करेंगे। श्रमणी, तुम अंदर जाओ बेटी, जल्दी जाओ बेटी। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, जो भी हो सकेगा मैं पूरी कोशिश करूंगा। मेरी बेटी से शादी के लिए 75,000 रुपए चाहिए। मेरी बहनों की साड़ी के लिए 10,000 रुपए चाहिए। लड़के के कपड़े के साथ अंगूठी भी चाहिए। मुझे और मेरे पति को तो कपड़े चाहिए, बाकी का खर्च तो आप देख ही लेंगे। अगर आपकी तरफ से हाँ है तो हमारी तरफ से भी हाँ। मुझमें दहेज देने की शक्ति नहीं है, ये बात मैंने पंडित जी से पहले ही कहा था। क्यों पंडित जी, आपने बताया नहीं? आपने कहा था बोलने के लिए, पर मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा कि शायद ये लोग लड़की को देखने के बाद अपना फैसला बदल देंगे। क्यों रे पंडित, ऐसे भिखारी लोगों का रिश्ता दिखाता है? पिताजी को मेरी वजह से कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। इतना भी दहेज नहीं दे सकते ये भिखारी लोग, तो बेटी की शादी क्यों करते हो? घर पे बिठा के रखो उसे। मेरा ना रहना ही ठीक होगा। बिना मतलब की इतनी दूर आ गए, छी, चलो चलो। बिना मतलब की पंडित को 400 रुपए देने पड़े। पंडित जी, आप ही जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी, आप मेरी बात तो सुनिए। सुनिए तो मैं क्या बोलूं, आप मेरी धर्मपत्नी से बात करिए। सुनिए आप। अरे मैं क्या बोल सकता हूं? हे भगवान, क्या मैं अपनी बेटी की शादी इस जन्म में नहीं करवा पाऊंगा? मेरा मर जाना ही ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। बेटी श्रवणी, बेटी श्रावणी, बेटी श्रावणी, ये सब क्या है बेटी, तू क्या कर रही है? पिताजी, ये सब क्या है बेटी? बेटी, तेरा ये बाप तेरी ये शादी नहीं कर पा रहा है, इसलिए तू अपने आप को सजा देकर मेरा दिल क्यों दुखा रही है? जो भाग में लिखा है वही होगा। चलो बेटी, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। बेटी जल्दी चलो हॉस्पिटल। ये अभी तक क्यों नहीं आए? ये क्या खाली आता है? मैंने सोचा था कि एक हफ्ता बैठकर अच्छी तरह से बैठ के खाऊंगी, लेकिन तुम तो आए खाली हाथ हिलाते हुए। मैं क्या करता, वो रिश्ता तय ही नहीं हुआ। अब क्या हुआ? उनके पास दहेज ही नहीं है देने के लिए। मैं तो सुबह ही समझ गई थी, मैंने जो सोचा था वही हुआ ना आखिर। मेरे साथ हमेशा झगड़ती रहती है। उस दिन मैंने सिर्फ एक कप कॉफी मांगी तो नहीं दी। अच्छा हुआ, उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। देखा आपने, मेरे साथ झगड़ती है। पहले से ही वो लोग बड़ी तकलीफ में है, और ऊपर से तुम्हारी बद्दुआ। मतलब वो जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी? ऐसा नहीं है, अयप्पा की कृपा से उसकी शादी होगी। उसकी योग में शादी लिखी है। हाँ, होगी क्यों नहीं, बहुत अमीर घर के लोग हैं ना, इसलिए तो खाली थैले लेके आए। पहले राशन तो लेके आओ। सुनो, राशन लेकर आओ,
घर में अनाज का दाना नहीं है और चले हैं शादी करवाने। विष्णु जी स्वामी शरणप्या। कौन है, कौन है आप, आप कौन है? मेरा नाम गुरु स्वामी है। मैंने आपको इससे पहले कहीं देखा नहीं, आपसे मेरा कोई परिचय नहीं है, फिर आपको मेरे नाम के बारे में कैसे पता चला? आपने मुझे नहीं देखा तो क्या हुआ, मैं तो आपको रोज ही देखता हूँ। मुझे आपके और आपके परिवार के बारे में सब कुछ पता है। इससे पहले तुम्हारी बेटी श्रवणी का रिश्ता टूट गया और ये नहीं बर्दाश्त करने के कारण उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। तुम्हारी समस्या दूर करने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। स्वामी, हमारी तकलीफ दूर हो सके ऐसा कोई रास्ता बताइए। तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। तुम्हारी तकलीफें दूर हो जाए इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। कितनी भी तकलीफ का काम हो मैं करूंगा स्वामी। तुम्हें स्वामी अयप्पा का झोला पहनना होगा और तुम्हें इसके लिए पद यात्रा करनी होगी और सब इच्छाएं पूरी करने वाले स्वामी अयप्पा स्वामी शरण अयप्पा बोलेंगे तो सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, आपके परिवार की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। आप कह रहे हैं तो मेरा भी दिल बोलता है। झोला पहनने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, कैसे करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डर लग रहा है मुझे। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, अयप्पा सब देख लेंगे। कल से ही कार्तिक मास शुरू हो रहा, कल ही सुबह मैं आपके गले में माला डालूंगा और आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। आप अपने दिल में कोई भी शंका मत रखिएगा, भूल जाइएगा। स्वामी शरण अयप्पा, स्वामी शरण अयप्पा, स्वामी शरण अयप्पा, स्वामी शरण अयप्पा, स्वामी शरण अयप्पा। क्या बात है, कोई स्वामी आया था? हाँ पंडित जी, बोल रहे थे मैं अयप्पा जी का माला डालूं। डाल लो, अच्छी बात है। पता नहीं इसी बात से तुम्हारा भला हो जाए और तुम्हारा अच्छा ही होगा। कुछ भी मत सोचिए, माला डाल लीजिए। हाँ हाँ, मैं चलता हूँ। अच्छा हाँ हाँ, नमस्कार। स्वामी जी और पुजारी जैसे कह रहे हैं वैसा करेंगे तो अच्छा रहेगा मामा जी। हाँ बेटी, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ। क्या पर हमारी परिस्थिति हमारा साथ देगी? आखिर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, स्वामी जी देख रहे हैं ना? ठीक है। स्वामी शरण अयप्पा। जय स्वामी शरण अयप्पा। बेटी श्रावणी तो हॉस्पिटल में है, अब क्या करूं समझ में नहीं आता। स्वामी जी ने तो माला डालने के लिए कहा है। बेटी श्यामला, बेटी श्यामला। क्या बात है, आपको नींद नहीं आ रही है? नींद नहीं आ रही है, समझ में नहीं आता कि उस माला के लिए क्या करूं। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं बेटी, सुबह स्वामी जी ने आकर बोला था माला डालने के लिए। माला डालने के बाद
माला के सारे नियम कर पाऊंगा या नहीं ये डर है मुझे। एक तरफ मेरे परिवार और मेरे लिए करने के लिए दिल कह रहा है और दूसरी तरफ डर भी लग रहा है। अयप्पा स्वामी का नाम लेके शुरू कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटी, तू सो जा, तू सो जा। ठीक है मामा जी। विष्णु जी, विष्णु जी। स्वामी जी। देखो स्वामी, तन मन से स्वामी अयप्पा पर विश्वास करके गले में माला डाल लो। तुम्हारे परिवार के लिए सब कुछ अच्छा होगा। दिल में किसी भी प्रकार की शंका मत रखना। अभी काफी देर हो गई है, तुम सो जाओ। ठीक है स्वामी, ठीक है। क्यों स्वामी, रात को नींद बराबर नहीं आई? कहाँ सो पाया स्वामी, सो गया था आपने जगा दिया आकर के। थोड़ी देर सो गया था फिर आपने आकर मुझे जगा दिया। अरे नहीं, मैं आपसे रात को कब मिला? आपने मुझे कुछ देर पहले जगाया नहीं था? कल के बाद मैं आपसे आज ही मिल रहा हूँ। फिर रात में? लगता है मेरे रूप में स्वामी अयप्पा आए होंगे। मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे स्वामी अयप्पा का दर्शन हो गया। ठीक है, अब आप जल्दी से नहा धो लीजिए, आपको पहले से देर हो गई है। मैं माला डाल देता हूँ, चलिए। आइए हमारे घर स्वामी जी, आइए। श्री स्वामी शरणमय्यप्पा। स्वामी शरणमय्यप्पा, स्वामी शरणमय्यप्पा। और विष्णु जी बताइए स्वामी, दर्शन बराबर हो गए ना? हाँ बराबर हो गया। सफर में कोई बाधा तो नहीं आई? आई, कोई बाधा नहीं आई, और शबरी जी के बराबर दर्शन हो गए स्वामी। ठीक है, सुनो मैं सुबह ही तुम्हारी माला निकालूंगा स्वामी, तुम सबको प्रसाद दे देना। ठीक है स्वामी, लेकिन कल तुम्हें एक काम करना। वो क्या स्वामी? कल तुम्हें अन्नदान करना होगा। अन्नदान? हाँ, स्वामी अयप्पा को अन्नदान बहुत अच्छा लगता है, ये करोगे तो तुम्हें जल्दी फल मिलेगा। मेरी इतनी हैसियत नहीं है स्वामी, और मुझ पर कोई विश्वास भी नहीं करता जो मुझे उधार। देखो तुम्हें बहुत सारे लोगों को करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 लोगों को खिला देना। ठीक है, इसका फल तुम्हें कोई ना कोई रूप में जरूर मिलेगा। सबरी जी के यहाँ तक पहुँचने में ही बहुत तकलीफ हुई थी, ऊपर से अन्नदान करने के लिए, ये तो बड़ी बात है ना स्वामी। देखो स्वामी, अंतरात्मा भी कोई चीज है, तुम अगर दिल से
प्रार्थना करोगे तो भगवान अपने आप सब को ठीक कर देगा। तुम दिल से प्रार्थना करो, पर 5 लोगों के लिए अन्नदान का इंतजाम रखना। ठीक है स्वामी, आप बोल रहे हैं तो कर दूंगा, बाकी ईश्वर की मर्जी। बिल्कुल सही। स्वामी शरणायप्पा, स्वामी शरणायप्पा, स्वामी शरणायप्पा। विष्णु शर्मा जी, हाँ कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। दर्शन बराबर हुआ ना? हाँ बराबर हुआ। मैं आप ही को ढूंढ रहा था। मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? इससे पहले मेरी बीबी बीमार हुई थी तो आपने अपनी बेटी के लिए 10,000 रखे थे। वो मुझे आपने दिया था ना, वो 10,000 मैं आपको लौटाना चाहता था। एक बहुत बड़ा रिश्ता करवाया है मैंने। हाँ, ये ले लीजिए। आपने मुझे ऐन वक्त पर पैसा दिया। कल मैं अपने घर पे अन्नदान कर रहा हूँ और ये सारा काम आपके हाथों से होना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। कैसे भी आ जाइए। हाँ, जरूर आऊंगा। हाँ, 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 सब कुछ स्वामी जी की लीला है। बेटी श्रावणी, बेटी श्रावणी, श्रावणी। हाँ अभी आई पिताजी। क्या है पिताजी, जब तक मैं नहीं होंगे अंदर नहीं आएंगे क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अब भी नाराज हैं मुझसे। क्या है ना बेटी, मैं ऐसे नहीं आ सकता। जो सबरी यात्रा करके आते हैं उनका पैर धोना पड़ता है, उनकी आरती उतारनी पड़ती है, फिर उनका घर प्रवेश करवाया जाता है, तभी यात्रा के फल सफल होते हैं। अयप्पा भगवान की तब कृपा होती है, सबरी यात्रा पूरी होने से शनि महाराज का प्रकोप कम हो जाता है। ओहो ये बात है, मैं अभी आई। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, ये सोचती थी कि पिताजी पता नहीं कब आ जाएंगे। कपूर जलाइए पिताजी। आइए पिताजी। बेटी श्रावणी, कल 5 भक्तों को अन्नदान करवाना है। ये पैसे रखो बेटी। चलो बेटी। ठीक है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। स्वामी शरणायप्पा, स्वामी शरणायप्पा, स्वामी शरणायप्पा, स्वामी शरणायप्पा, स्वामी शरणायप्पा, स्वामी शरणायप्पा, स्वामी शरणायप्पा। स्वामी ये प्रसाद लो। प्रसाद है, सबको दे दो। ये क्या हुआ, क्या हुआ कार को? हो
ऑफिस भी जाना है टाइम पर। आओ आओ स्वामी आओ, समय पर आए हो। समय पर आया हूँ। हाँ स्वामी, कल ही यात्रा से वापस आया हूँ, घर पे आकर प्रसाद ले लो। स्वामी आप सही समय पर आए हैं, मैंने अन्नदान का इंतजाम किया है। देखिए, मुझे देवता और पूजा, भूत और प्रसाद, इन पर विश्वास नहीं है। आई डोंट लाइक दिस पूजा। नहीं स्वामी, आपको किसी तरह अंदर आना होगा। मैंने बड़ी तकलीफ से 5 लोगों खाने का इंतजाम किया है, आपको पुण्य मिलेगा। स्वामी अयप्पा तुम्हारा अच्छा करेंगे। अयप्पा मुझे क्या देखेगा, तुम जैसे लोगों की वजह से ही तो वो अयप्पा है। मैं तो बस इतना मानता हूँ कि इंसान अपने आप पर निर्भर है। देखिए आप, भगवान से ज्यादा मनुष्य बड़ा होता है। ठीक है स्वामी, आपका विश्वास आपका, मेरा विश्वास मेरा। आप समझ लीजिए, भगवान के लिए ना सही, मेरे लिए ही सही। एक इंसानियत के नाते से आकर प्रसाद ले लीजिए। देखिए आप, मैं आपको नहीं जानता, फिर मैं आपके घर आकर प्रसाद क्यों लूं? ठीक है स्वामी, मैं अंदर जाकर आपके लिए प्रसाद लेकर आता हूं। नहीं नहीं, हम दोनों यहीं रहते हैं, प्रसाद यहीं मंगवा लेता हूं, आपके लिए यहीं मंगवाना ठीक रहेगा। बेटी श्रावणी। जी पिताजी। जरा अयप्पा भगवान का प्रसाद लेकर बाहर आना। अभी लाई। हेलो हेलो सर। ये क्या सर, आप इस तरह मूर्ति की तरह क्यों खड़े हैं? भगवान अयप्पा का है। कितनी खूबसूरत है, शादी करनी चाहिए तो ऐसी लड़की से करना चाहिए। सच में आधे घंटे में आऊंगा कहकर चले गए, अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए। हाथ पांव धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। वो क्या है ना अभी। हाँ अभी। अभी विष्णु जी के यहाँ खाना खाकर आया हूँ। अरे अरे घोर पाप, उस भिखारी विष्णु के घर में तुमने खाना खाया? तुम्हारी उम्र बड़ी है लेकिन अक्ल नहीं बड़ी है। वो क्या है, स्वामी अयप्पा का व्रत रखा था, अन्न दान किया है। अरे अरे अरे, अपनी जात क्या उसकी जात क्या, तुम जरा भी दिमाग से काम नहीं करते हो, जो भी आता है वो कर लेते हो। नीच जाति के यहाँ खाना खाकर ऊपर से बेशर्म की तरह बोल रहे हो। ऐसा मत बोलो, ये गलत बात है। स्वामी अयप्पा का भक्त साक्षात भगवान की तरह होते हैं। जाति भेदभाव नहीं करना चाहिए, कोई भी अगर प्रसाद दे तो लेना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, फालतू का खर्चा कर रहे हैं अन्न दान करके। अरे पैसा बचा कर बेटी की पहले शादी करनी चाहिए ना, फालतू का खर्चा। अन्नदान किया हुआ बेकार नहीं जाता है, कोई न कोई आकर उनके परिवार को संभालेगा, भगवान उनके साथ अन्याय नहीं करेगा। देखो मैंने तुम्हारे लिए चरणामृत लाया है। तुम्हारे इस चक्कर में मैंने भी नहीं खाना खाया, चलो अंदर। टोप लेकर अंदर चलो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हाँ, सब ठीक हो जाएगा। विष्णु जी, विष्णु जी। क्या बात है, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? आपने जो किया अच्छा किया। मैंने? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने? मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। कल किया ना? हाँ? कल राकेश बाबू का किया ना? मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इतना ही बोला कि स्वामी अयप्पा का प्रसाद ले लो, बस। आपने बहुत अच्छा किया। वो क्या है कि वो प्रसाद आपको देना चाहिए था और आपने अपनी बेटी के हाथों दिलवाया। हाँ? क्या हुआ पता है? बताओ क्या हुआ। पहले तो राकेश बाबू शादी नहीं करना चाहते थे। हाँ? अब वो आपकी बेटी श्रावणी से शादी करना चाहता है। हाँ? और अब यही जिद पकड़ कर बैठा है। ये सब मेरी बेटी की किस्मत है। नहीं, आपने शबरी यात्रा की ना, उसका फल है। अयप्पा भगवान की जय।
हेलो मैडम, सुनिए नाश्ता जल्दी लेकर आओ, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। हाँ हाँ आ रही हूँ। क्या तुम चिल्लाते रहते हो? बेटी श्रावणी, श्रावणी आइए पिताजी, बैठिए, आप भी नाश्ता कर लीजिए। नहीं बेटी। क्यों पिताजी, आपने क्या सोचा कि आपकी बेटी शादी के बाद आपसे नाश्ते के लिए भी नहीं पूछेगी? क्या है ना बेटी, इस वक्त मैंने स्वामी जी की माला पहनी है, इसलिए एक ही टाइम खाना खाता हूँ। आई एम सॉरी पिताजी, दूध तो पी लीजिए ना। ठीक है ठीक है, मैं लाती हूँ। क्या बात है ससुर जी, सुबह सुबह आए, कोई काम है क्या? ऐसा कुछ नहीं, इस साल भी मैंने दूसरी बार स्वामी अयप्पा का गले में माला पहना है। पिछली बार माला डाला था तो बेटी की शादी हो गई, मेरे काम काज की स्थिति भी ठीक हो गई। हाँ तो फिर? इसलिए मैंने घर में भगवान की पूजा रखी है। तुम मेरी बेटी को लेकर घर पे जरूर आना। हम नहीं आएंगे। क्यों बेटा? मुझे भूतों और भगवान पर भरोसा नहीं है, हम नहीं आएंगे। तुम दोनों आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। देखिए मैं भगवान से जितना दूर रहता हूँ उतना खुश रहता हूँ। कम से कम श्रवणी को तो भेज देना, तुम नहीं आ सकते तो कोई बात। आप भी चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा जी, चलिए ना। मुझे ऑफिस में बहुत काम है, तुम नहीं जाओगी बस, जब देखो जब भगवान बेटा। और पूजा पाठ बोलकर मेरा दिमाग खराब करते रहते हैं। आप फिक्र मत कीजिए पिताजी, मैं कैसे भी करके इन्हें समझा कर अपने साथ लेकर आऊंगी। बेटी मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से। आप टेंशन मत लीजिए पिताजी, हमारे भी झगड़ा नहीं होगा। ठीक है बेटी मैं चलता हूँ। स्वामी शरणयप्पा, स्वामी शरणयप्पा। मंगल की दशा ठीक नहीं है और गुरु राहु पे बैठा हुआ है, शनि चढ़ा है। सुनो जी क्या कह रही हूँ। क्या? वो विष्णु स्वामी ने फिर से स्वामी अयप्पा की माला डाली है। हाँ क्यों? स्वामी अयप्पा की माला डालने से सब कुछ अच्छा हो जाता है। हाँ सच में होता है। तो मैं सोची मैं भी। क्या तुम भी? मैं भी अयप्पा स्वामी की माला डालूं। पाप, घोर पाप, ये तो घोर पाप है। क्यों क्या हुआ? नहीं नहीं, स्त्री माला नहीं डाल सकती। 13 साल से लेकर 17-18 साल की लड़की ये व्रत बिल्कुल नहीं रख सकती है। ऐसी बात है तो आप ही माला पहन लो ना। अभी तो माला डालने का समय चला गया, अगले साल माला अवश्य डालूंगा। अरे क्या कह रहे हो, वो जो अपना भास्कर है ना, उसने कल ही तो माला पहनी। गलत, ये सब बिल्कुल गलत काम है। नियम सुनो, कार्तिक महीना में रोज नहाकर पूजा करना चाहिए और फिर सबरी यात्रा करना चाहिए, नहीं तो। नहीं तो उसका फल हमें नहीं मिलेगा। कुछ लोग 3-4 दिन माला रखकर उतार देते हैं और उनको पाप पुण्य के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। वो इस बात से अनजान है कि वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, ये तो घोर पाप है। हाँ? मतलब स्वामी शरणयप्पा बोलो, ये कहते हुए सच्चे दिल से शबरी यात्रा भी करें तो पुण्य मिल जाता है, और जो ये नहीं करता वो पाप का भागीदार होता है। बस यही नियम है पूजा की। सुनिए जी, स्वामी अयप्पा जप करने से हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी ना? मुझे भी इतना मालूम नहीं है, हम लोग दुबे जी से इसके बारे में मालूम कर लेते हैं। समझ गए? ठीक है, तुम एक मिनट रुको, मैं ताला लगा कराती हूँ। अजी सुनो, तुम्हें जो मालूम है वो भी सब पूछ लेंगे। चलो जल्दी। ए, आओ ना। अरे इसीलिए तो इतने दूर से आए हैं। ये ताला और ये लेटर क्या रे, तेरी पत्नी ने कोई लेटर लिख रखा है? क्यों रे, हम लोगों को यहाँ बुलाया और तेरी पत्नी घर छोड़कर कहाँ चली गई, तुझे कुछ नहीं मालूम? उन्हें तो कहा था तेरी बीवी मायके नहीं जाएगी और वो तो मायके चली गई, तेरी तो बात भी नहीं मानी उसने। है? अरे ऑफिस में नहीं घर में कंट्रोल होना चाहिए। मेरी बीवी को बैठने को बोलता हूँ तो बैठती है, उठने को बोलता हूँ तो उठती है। अरे इसकी बीवी इसे बैठने को बोलती है तो बैठता है, उठने को बोलती है तो उठता है, ये तो अपनी बीवी का गुलाम है ना। ठीक है हम लोग जा रहे हैं, तू अपनी पत्नी को लेकर आ।
ठाकुर तुम हो अयप्पा, शरण दे दो अयप्पा। आया आया अयप्पा आनंद रूप अयप्पा, शरण दे दो अयप्पा। आया आया अयप्पा रखवाला हो अयप्पा, शरण दे दो अयप्पा। आया आया अयप्पा मन में तुम हो अयप्पा। तुम ही हो राजा हम है प्रजा, तुम्हारी महिमा हर कोई जाने। मोहन रूप है सदा तुम्हारा, लोक कल्याण है धर्म तुम्हारा। ज्योति स्वरूप हो सन्मुख आनंद हो, अनुपम चित है तुम्हारा। हर घर में देव तुम ही हो, होता अभिषेक रोज तुम्हारा। आया आया अयप्पा वेदांत रूप अयप्पा, वंदन रूप अयप्पा। आया आया अयप्पा राजशेखर अयप्पा, वंदन रूप अयप्पा। आया आया अयप्पा तुम हो स्वामी अयप्पा, वंदन रूप अयप्पा। आया आया अयप्पा सत्य सुंदर अयप्पा, वंदन रूप अयप्पा। हम सबके तुम हो मालिक, पार लगाओ डूबती नैया। रात और दिन है तुम्हारी गुलाम, तुम करो यहाँ साँझ सवेरा। मकर ज्योति है तुम्हारे कंठ में, सबके तुम हो बाप और मैया। भक्तों के तुम प्रिय सखा, करो सबके दुख दूर ऐसे। शिव शंकर हो अयप्पा, आया आया अयप्पा सर्वानंद हो अयप्पा, धर्मानंद हो अयप्पा। आया आया अयप्पा निर्मोही तुम हो अयप्पा, ज्ञान सागर हो अयप्पा। आया आया अयप्पा करो सबकी रक्षा अयप्पा, शरण दे दो अयप्पा। सद्गुण तुम्ही सद्भाव तुम्ही, प्रति कण में रहते हो तुम्ही। जीवन मरण सब तुम्ही हो, जीने की राह बस तुम्ही हो। राग अनुराग वसंत राग सुर संभार सब तुम्ही हो। कहना है क्या तुम हो दाता और विधाता सब तुम्ही हो। ध्यक्ष हो अयप्पा, वंदन रूप अयप्पा। आया आया अयप्पा चारों वेद हो अयप्पा, वंदन रूप अयप्पा। आया आया अयप्पा अन्नदाता हो अयप्पा, वंदन रूप अयप्पा। आया आया अयप्पा गरुड़ वाहन अयप्पा, वंदन रूप अयप्पा। वंदन रूप अयप्पा, आया आया अयप्पा राजाधिराज हो अयप्पा, वंदन रूप अयप्पा। आया आया अयप्पा शरण स्वरूप अयप्पा, शरण जगो अयप्पा। आया आया अयप्पा श्यामल रूप अयप्पा, शरण दे दो अयप्पा। श्रावणी, श्रावणी। बेटी श्रावणी, तुम्हारे पति आए हैं। आ रहे हो पिताजी? आइए ना, थोड़ी देर बैठिए तो। नहीं नहीं, मुझे जाना है, चलो यहाँ से। अरे बेटा, अभी तो आए हो, अभी जाने की बात कर रहे हो। तुम चलो यहाँ से, चलो चलो यहाँ से। बेटा, पिछली बार भी आप ऐसे ही समय पर आए थे और आज भी आप प्रसाद के समय पर ही आए हैं। लेकिन बेटा, प्रसाद के समय पर आना भाग्य की बात है, लेकिन आप ऐसा कहते हो, भगवान के लिए ऐसा ठीक नहीं है। भगवान अयप्पा बड़े दयालु हैं। मैं यहाँ आपका भाषण सुनने के लिए नहीं आया हूँ।
मैं काम धंधा छोड़कर यहाँ पूजा पाठ नहीं कर सकता, और कम से कम मैं अभी इस घर का प्रसाद खाने के लिए नहीं आया हूँ। चलो यहाँ से, चलो। बेटा ये बात गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो अपने गाल पे तमाचा मार लो, चलो चलो यहाँ से। थोड़ा तो रुक जाइए ना, प्रसाद लेकर चलते हैं हम लोग। ठीक है, यही रहो, तुम्हारी मर्जी में जो है तुम बस वही करो। ठीक है। देखिए स्वामी जी की पूजा के होने के बाद आरती और प्रसाद लेकर जाना ही ये विधि है। आपके घर में सब अच्छा होगा, जो करना है करो। बेटी श्रावणी जल्दी से प्रसाद दो ना। पूजा में आने के लिए मैं इन्हें बगैर बताए चली आई ना, शायद इसलिए ये मुझसे नाराज हो रहे हैं। अब मुझे चलना चाहिए। बेटी श्रावणी, श्रावणी क्या हुआ? श्रावणी, अरे रे श्रावणी, बेटा श्रावणी क्या हुआ, क्या हुआ? बस थोड़ा सा चक्कर सा आ गया था। ये सब कब से हो रहा है? पहले दो तीन बार हुआ था, अभी जैसे। कुछ खाने के लिए मन करता है? हाँ खट्टा खाने को जी करता है। अरे किसी की नजर ना लगे। विष्णु भैया अपनी श्रावणी एक छोटे से श्रावण को लाने वाली है। देखो तो कैसी शर्मा रही है, राकेश को तोहफा देने वाली है। या अप्पा भगवान। अरे बेटी अब क्यों शर्मा रही है, हा? सब कुछ हो गया ना। बेटी सब भगवान की कृपा है, ये सब भगवान अयप्पा की कृपा है। सुनिए जी आरती ले लीजिए। श्रावणी मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, ये पूजा पाठ मेरे सामने मत लाया करो। मैं तो बस इतना चाहती थी कि मेरी डिलीवरी बराबर हो और मेरा बच्चा अच्छा रहे, स्वामी अयप्पा की कृपा से। स्वामी जी की दया वाया कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ इंतजाम करके रखा था, इसीलिए सही टाइम पे डिलीवरी हो गई तुम्हारी। देखिए ये आपकी सोच है, जब आप यहाँ नहीं रहते तो हर रोज भगवान अयप्पा मेरे साथ रहा करते थे यहाँ पर। मतलब तुम मेरे साथ धोखा कर रही हो? वो बात नहीं है। देखो श्रावणी मेरी बात समझने की कोशिश करो, आज से इस घर में पूजा पाठ नहीं होगी, इसके बाद जो भी हुआ तो इसका जिम्मेदार तो मुझे मत समझना। अरे बापरे मैं मुन्ना को ऊपर ही छोड़कर आ गई। अरे क्या हो गया उसे? चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। क्या हुआ मुन्ना, क्यों रो रहा है? वो मुन्ना गिर गया था पिताजी, और डॉक्टर का कहना है कि बच्चा है, थोड़ा टाइम लगेगा ठीक। दामाजी एक बात बोलूं, आप बुरा हम न माने तो? हाँ बोलिए। नहीं रोते बेटा, अगर आप उस स्वामी जी के पास आ जाए तो। अरे आखिर मैं क्यों आऊँ वहाँ पे? आइंदा आपने गुरुजी या स्वामी कहा तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। आप क्या बोल रहे हैं, आपको पता है? ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ चुप हो जा, आ जा मम्मी के पास। आ जा, स्वामी अयप्पा ही बचाओ। नहीं बच्चा चुप नहीं हो रहा, चलो हॉस्पिटल लेके चलते हैं। अरे चलो बाबू हॉस्पिटल चलेंगे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ये क्या गुरुजी, आप तो इस तरह से उदास हो जैसे आपको एक शनि ने पकड़ लिया, आप तो हरदम खुश रहते हो। क्या बोलूं शिष्य, अब हर जगह से निराशा ही मिल रही है। क्यों गुरुजी? इस कलयुग में हर कोई मुझसे बचने के लिए अयप्पा का ही आर ले रहा है। ये क्या कर रहे आप? अरे आपसे तो महादेव भगवान भी नहीं बच सके, तो फिर मानव क्या चीज है गुरु जी? ठीक करो ना। बहुत अच्छा बोला शिष्य, एक दिन मैंने वचन दिया था स्वामी अयप्पा को, ये सब उसी वजह से है। वचन? हाँ वचन स्वामी अयप्पा को मैंने दिया था पंडरल मंदिर के निर्माण के वक्त। निर्माण? शनि महाराज आप हर समय मानव को तरह तरह के उपायों से पीड़ित क्यों करते रहते हैं? ये मेरा धर्म है। क्या पीड़ित करना ही धर्म है आपका? त्रिमूर्ति को सृष्टि रचने का धर्म है, यमराज को प्राण लेने का धर्म है। प्राण लेना और देना जब धर्म की बात हो सकती है तो मैं क्या कह सकता हूँ स्वामी।
अगर आप अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? जलजला आएगा, जलजला। सृष्टि बनी है तो जलजला नहीं आनी चाहिए। दुनिया में आनंद बना रहे, संतोष बना रहे, इसीलिए सृष्टि बनी है। इंसान को तो अपने पापों की सजा भुगतना ही पड़ेगा, न जो कि अपने तकदीर में लिख कर लाया है। प्रजा को अपने पाप पुण्य का फल मिलना ही चाहिए। बस आपको इतना ही चाहिए ना? वरना उसमें मेरा क्या फायदा होता स्वामी? शनि महाराज, मेरे भक्तों ने 7 जन्मों में जो पाप किए हैं वो एक समय तक भुगतेंगे, बाद में उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। कैसा वक्त, मैं जो तकलीफ दूंगा वो वक्त उनके लिए सबसे कठिन होगा स्वामी। उनका मन, तन और सोचने पर रुकावट कर दूंगा, आत्मा भटका दूंगा और उनकी बोलती हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। और मेरे भक्त लोग व्रत रखकर उससे मुक्त हो जाएंगे। फूलों पर सोने वालों को, चलने वालों को भी मैं आग और कांटों पर चलाऊंगा। मैं अपने भक्तों का कष्ट दूर करके उन्हें जीने की नई दिशा दिखाऊंगा। खुशियों से खिलखिला कर रहने वालों को भी आंसू से रुलाऊंगा। मेरे भक्त मेरे द्वार पे स्नान करके अपने सारे कष्टों से मुक्त हो जाएंगे, मैं उन्हें कष्टों से मुक्त कर दूंगा। पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे, खाने के लिए दाने नहीं होंगे, पहनने के लिए चप्पल नहीं होंगे, अपने आप से घिन हो जाएगी, फिर उनका वेश बदलूंगा और उनकी जिंदगी को हिला के रख दूंगा। आपका मनपसंद रंग काला है ना? जो अपना संसार धर्म छोड़कर नंगे पांव भक्ति भाव से व्रत रखकर मेरी माला डालकर स्वामी के नाम को पुकारते हुए व्रत रखकर मेरे पास आएंगे, उनके सारे कष्टों को मैं दूर कर दूंगा शनि महाराज जी। स्वामी, एक और बात है, मेरी दृष्टि से कोई भी दंपति नहीं बच सकते। ब्रह्मचारी व्रत का पालन करके मेरी माला डालकर मेरे द्वार पे जो भी आएगा वो मुक्त हो जाएगा, और उसके बाद आप उनको कभी दुख नहीं देंगे, मुझे वचन दीजिए। आप क्या सोच रहे हैं शनि महाराज जी? आप उन्हें दोबारा कभी कष्ट नहीं देंगे, मुझे वचन दीजिए। ठीक है स्वामी। मतलब आपका काम नहीं है स्वामी? कैसी बातें करते हो? अयप्पा की आराधना के साथ साथ धुतकार करने वाले भी ज्यादा लोग हैं, और ऐसे लोगों को मेरे अहंकार करने की मेरी जरूरत जरूर पड़ती है। राकेश को चक्रव्यूह में डालता हूँ। पर गुरुवर, राकेश की पत्नी तो पूजा करने वाली है। उसके ही जरिए मैं उसके घर में घुसूंगा। कैसे स्वामी? मर्द जो होते हैं वो नियमों का उल्लंघन करते हैं, ये लक्षण मनुष्य के लिए अच्छा नहीं होता। इस विषय में राकेश की पत्नी श्रावणी देखो घर में क्या कर रही है। चलो, अच्छा हुआ घर का सारा काम खत्म हो गया, अब उनके आने का भी टाइम हो गया है। अरे बेटी, कैसी हो? मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा सूरज मामा। हम लोग अनंतपुर से आ रहे हैं, तुम्हारी शादी में आ नहीं पाए थे। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? श्रावणी। अच्छा अच्छा, अंदर आइए ना, आइए बैठिए, बैठिए ना। बेटी श्रावणी, सुना है तुम्हारे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, अब कैसी है? अभी थोड़ा ठीक है। आप लोग बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। घर में कमाल प्रवेश किया आपने स्वामी, आपको तो घर में घुसने का मौका मिलना चाहिए। बस इतना ही नहीं, आप तो इंसान की मानवता से खूब खेल लेते हैं स्वामी, आप तो बहुत बड़े हो स्वामी। सुनो, फल दो बेटी को। बेटी, दामाद जी अभी तक नहीं आए? आते ही होंगे, मैं आप लोगों के लिए खाना बना कर लाती हूँ। क्या हुआ बेटी? फोन। हेलो मैडम, सर घर में है क्या?
नहीं, वो तो ऑफिस में है ना? सर ऑफिस में नहीं है मैडम, पता नहीं कहाँ गए हैं। अरे उधर सेल टैक्स वाले आके ये हंगामा मचा कर रखा हुआ है, और तो और पूरे ऑफिस तुम लोगों ने सील कर दिया मैडम। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सर तो नहीं है, फोन आया तो प्लीज बताइएगा। देखिए उनका अगर फोन आता है तो मैं उनसे फोन करवाऊंगी, ठीक है? क्या बात है बेटी, कोई टेंशन कोई प्रॉब्लम? वो क्या है कि मामा ऑफिस में सेल टैक्स की रेट पड़ी है और वो ऑफिस में नहीं है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हेलो 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 हाँ हेलो श्रवणी, हाँ मैं बोल रही हूँ, बोलो क्या बात है? मेरा सेल अचानक बंद हो गया था, ऑफिस का फोन इंगेज जा रहा है, मेरा कोई फोन आया था क्या? मैनेजर का फोन आया था, ऑफिस में सेल टैक्स की रेट पड़ी है और वो लोग तुम्हें ऑफिस में ढूंढ रहे हैं। ठीक है मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम फोन रख दो। ठीक है। बेटी श्रावणी जरा अपने बेटे को लाना, मंदिर गया था, फकीर बाबा का ताबीज लाया हूँ, जरा बांधू उसे। ठीक है। वेरी गुड। अब तुम फिक्र मत करो, बच्चे की तबीयत समझ लो सुधर गई, तुम्हारा बच्चा बहुत जल्द अच्छा हो जाएगा। अब क्या कहूँ मामा जी, आपसे क्या छुपाऊँ मैं, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, उनका बिजनेस भी पूरा लॉस में जा रहा है, सच कहूँ ऐसा लगता है कि शनि की दशा चल रही है हम पर। देखो बेटी अपने दिल में ऐसी कोई भी शंका मत रखो, ठीक है बेटी, हम लोग चलते हैं, हमारा बस का टाइम हो रहा है। अरे कम से कम खाना तो खा के जाइए। अरे हम लोग बाद में आएंगे तब खाएंगे, चल रहे। पता नहीं श्रवणी बिजनेस क्यों खराब होता जा रहा है, बच्चे की भी तबीयत की प्रॉब्लम है, बिजनेस में लॉस हुआ, कार बेच दिया और आज 10 लाख का नुकसान हो गया, नसीब भी बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है और सेल फोन भी खराब हो गया। कभी कभी सोचता हूँ कि बिजनेस ही बंद कर डालूं, ये सब शनि की वजह से हो रहा है। आप शनि की बात कर रहे हैं क्या? परिस्थिति ऐसी है कि मानना पड़ रहा है, इसीलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ। शिट, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? श्रवणी एक गरम कॉफी लेकर आओ ना। ठीक है लाते हूँ। लाओ इधर लाओ। सुनिए जरा पिताजी को फोन करके यहाँ पर बुला लीजिए ना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। हाँ ठीक है श्रवणी। मेरा बेटा मेरा बेटा। हेलो हेलो। शे कुछ भी काम नहीं हो रहा है, टाइम एकदम खराब चल रहा है, सब कुछ बुरा हो रहा है, मुझे अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा है। अपने आप पे नाराज क्यों हो रहे हैं, मेरी मानिए तो चलिए ना हम लोग भगवान अयप्पा का दर्शन करके आते हैं। भगवान भी आएगा ना तो हमारी तकलीफ देखकर भाग जाएगा। हो छी, इतना टेंशन है और तुम भगवान का टेंशन दे रही हो, ये अंधविश्वास है तुम लोगों का। अंधविश्वास ही सही, आधी दुनिया तो इसी पर चल रही है ना, लोग भगवान की पूजा पाठ करते हैं, एक आप है कि उन पे विश्वास ही नहीं करते हैं। करना जरूरी है क्या? नहीं करेंगे तो क्या हाल हो रहा है वो देख नहीं रहे हो, कैसी हालत है हम लोगों की? हो ना तुम सामने, तुम्हारे रूप में शनि मेरे घर में आया है, तुम्हारे आने से शनि घर में आ गया, तुम मेरी जिंदगी में आई और प्रॉब्लम शुरू हो गई, तुम्हारे आने से प्रॉब्लम शुरू। मेरी वजह से आपकी जिंदगी खराब हुई इसलिए मैं यहाँ से चली जाती हूँ। श्रावणी अरे ये क्या, छोड़ो भाई, मैंने गुस्से में बोल दिया,
सॉरी सॉरी। आप मुझे वचन दीजिए कि आइंदा ऐसा नहीं कहेंगे। दिया श्रवणी, पिताजी के सामने भी कुछ नहीं बोलेंगे, प्लीज। ठीक है। देखिए ना, मुन्ना का शरीर कितना गर्म है। अरे श्रवणी चलो हॉस्पिटल चलते हैं, कितनी बार दिखाया लेकिन ठीक नहीं होता। हेलो रमेश, मैं रवि बोल रहा हूँ। मुझे अर्जेंट 5 लाख रुपए चाहिए, मेरे बच्चे का ऑपरेशन करवाना है। हेलो नरेश, मुझे अर्जेंट 5 लाख रुपए चाहिए, मेरे बच्चे का ऑपरेशन करवाना है। क्या करूं? सर बाबू कैसा है? सर बच्चे की सर्जरी करवाना है और मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, कोई मदद नहीं करता। पर आपके क्लोज फ्रेंड रमेश रवि, इनसे बात कीजिए ना। सबसे मांगा, सॉरी बोल दिया। अभी आप क्या करेंगे सर? अभी ज्यादा वक्त नहीं है, 2 दिन के अंदर ऑपरेशन हो जाना चाहिए। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। सर मेरे पास एक आइडिया है। हाँ बोलो। सर हमारे सारे डीलर कम से कम 70 लोग हैं। आप अपने हर प्रोडक्ट पर 10% डिस्काउंट अलाउ करते हैं। उसमें से 40-50 लोग 10,000 एडवांस के हिसाब से जरूर राजी हो जाएंगे। कंफर्मेशन के तौर पर डीडी बनाकर वो लोग भेजेंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। अपनी जरूरत तो पूरी हो जाएगी, लेकिन हाँ लेकिन लेकिन इसमें हमें कोई फायदा नहीं होगा सर। आई डोंट केयर, मेरे लिए मेरा बच्चा इम्पोर्टेंट है। फायदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, समय पर तुमने भगवान की तरह सलाह दी। थैंक यू। मेरा कुछ नहीं है सर, ये सब अय्यप्पा भगवान की कृपा है सर। अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, ओके। हे अय्यप्पा भगवान, राकेश सर का सब कुछ अच्छा करना। स्वामी राकेश को पैसे मिलने वाले हैं, कहीं आप डर का ये सब छोड़ने वाले तो नहीं है? अरे मैं शिप को ना छोड़ू तो चीटी भर का राकेश क्या है। अच्छा तो आप क्या करने वाले हैं स्वामी? महादेव शिप बोलता नहीं है, करके दिखाता है। सकलम भस्मम, हो जाए राकेश का काम तमाम। वो देखो भाग्य नगर क्या हो रहा है, देखो राकेश का पैसा गायब हो गया। ये देखिए स्वामी, मैंने पेड़ को कैसा काटा। अच्छा काटा ना? बहुत बड़ा काम किया। ये क्या स्वामी, आप हर वक्त मुझे डांटते ही रहते हो। स्वामी। हाँ क्या बात है, जो पूछना है बेहिचक पूछो। राकेश की हालत देखकर मुझे उस पर बहुत दया आ रही है स्वामी। नहीं छोटू, उसने गलती की है और मेरी नजरों से नहीं बच सकता। क्या श्रावणी की पूजा पाठ भी उनकी रक्षा नहीं कर सकता स्वामी? उसमें बदलाव आना चाहिए, उसके मन में जो कपट है वो बाहर निकलना चाहिए। सच्चे मन से भगवान की आराधना करना होगा, उसी भक्ति के जरिए उसके कष्ट दूर हो जाएंगे। और तब तक तब तक ये शनि ग्रह उसके सारे ग्रहों के साथ खेलते रहेंगे, नचाते रहेंगे, तांडव करते रहेंगे। ये तो हमारा कर्तव्य हो गया स्वामी। जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो उसको सही रास्ते पर लाने के लिए मैं हूँ। इंसान के अंदर जो गलत भावनाएं पैदा होती है उसे मिटाने का शक्ति सिर्फ मुझ में ही है। इंसान के अंदर जो भावनाएं पैदा होती है वो मैं ही करता हूँ। शिष्य शिष्य स्वामी, राकेश के अंदर कैसे बदलाव आता है देखो। माँ माँ, पिताजी से कहना मैं उनसे मिलने आया था। माँ आप उनसे कहना कि वो एक बार मेरे से मिलने मेरे मंदिर में जरूर आए। आ,
स्वामी, आप मेरी पूजा से प्रसन्न होकर मेरे कष्टों को दूर करने स्वयं चले आए। अयप्पा, मेरा जीवन धन्य हो गया। स्वामी शरण है अयप्पा, स्वामी शरण है अयप्पा। श्रावणी बेटी, मुझे तो ये कोई माया लगती है। आप सही कह रहे पिताजी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सारी तकलीफें एक साथ आ गई हमारे पे। धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास खोने लगा है। राकेश बेटा, धीरज से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी स्थिति में तुम्हें अयप्पा भगवान का माला ग्रहण करके पद यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। आज के इस कलयुग में भी माया और भगवान पर भरोसा करना चाहिए। युगों युगों से भगवान की माया हर युग में है और हम सब भगवान के इशारे पर नाचने वाले कठपुतली हैं। और हम सब उन्हीं भगवान के इशारे पर नाचते हैं। अगर हम लोग कठपुतली हैं तो भगवान की पूजा पाठ करने की हमें क्या जरूरत है? जो हमारा अन्नदाता है उसे खुश करने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, अपने सुख के लिए। अगर हमें खुशी चाहिए तो उसके लिए सच्चा दिल ही काफी है। हाँ, खुशी के लिए ही भगवान की आराधना करने के लिए कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं तुमसे बेवजह बहस नहीं करना चाहता। दामाद जी, आपके अंदर जो नास्तिकता है उसे त्याग दें तो आपके जैसा कोई दानवीर नहीं है। हाँ? मतलब मैं नास्तिक हूँ, मेरे पास दिमाग नहीं है? मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं? तो आपका मतलब है मैं समझदार नहीं हूँ? ये सब ठीक है बेटा। क्या ठीक है? मुझसे बहस करोगे तो जीत नहीं पाओगे। ओफो, बस कीजिए पिताजी। आप बहस बंद कीजिए, इनको इनके हाल पे छोड़ दीजिए। स्वामी अयप्पा सब देख लेंगे, ठीक है? आप दोनों एक जैसे हैं, कोई अपनी जिद छोड़ने को तैयार ही नहीं है। स्वामी अयप्पा, स्वामी मेरे दामाद ने जो कुछ भी बोला उसके लिए उसे माफ कर देना। हे स्वामी, उस पर कृपा करना। स्वामी अयप्पा। सुनिए जी, जैसे पिताजी कह रहे, एक बार स्वामी अयप्पा का माला डाल के देखिए ना, शायद परिस्थिति सुधर जाए। देखो, ये सेल काम नहीं कर रहा है। अयप्पा की माला डालने से ये सेल काम करेगा? ये पागलपन है। ये बात नहीं है जी। राकेश। हाँ? बताओ राकेश, तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है? अभी सब कुछ डल चल रहा है स्वामी। लगता है स्वामी शरणप्पा ने तुम्हारी परीक्षा लेना शुरू कर दिया। तो क्या स्वामी, माला डालने से सब ठीक हो जाएगा? पता नहीं, पर कोशिश करने में क्या हर्ज है। बेटी श्रवणी। जी स्वामी। तुम दाहिने हाथ से मोबाइल चालू करो। देखा तुमने राकेश, तुम्हारी पत्नी ने मोबाइल चालू किया तो मोबाइल चालू हो गया ना? दिखाओ क्या बात है। पूजा पाठ करने से ऐसा हो सकता है? मैं ये सब नहीं मानता। तुम्हें मानना पड़ेगा, पूजा पाठ से ही मन को शांति मिलती है। राकेश, इंसान आरोग्य होता है और मन में अच्छे विचार आते हैं। अगर तुम्हारा मन शांत होता तो इस यंत्र के खराब होने की वजह तुम जान पाते। तुम इस सेल का सिम दूसरे सिम में डालकर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते। मैंने भी वही किया है। तो हाँ राकेश, भगवान की शक्ति इंसान के साथ रहे तो उसे जिंदगी में सही दिशा मिलती है। तुम एक बार माला डाल लो तो तुम्हारे सारे ग्रह खत्म हो जाएंगे। व्रत पूरा करो, निश्चित ही तुम्हारे अंदर बदलाव आएगा। आप एक बार माला डालकर तो देखिए, अयप्पा स्वामी साथ में रहेंगे तो शनि महाराज पास नहीं फटकेंगे आपके, हमारे अच्छे दिन वापस आ जाएंगे। आप जरा ठीक से सोच कर तो देखिए। मैं ठहरा एक नास्तिक इंसान, क्या मैं इतने सारे नियम कानून निभा पाऊंगा? नास्तिक और आस्तिक इंसान के मन में होता है। तुम आंखें बंद करके कहो कि भगवान नहीं है तो हमारी अंतरात्मा कहेगी कि भगवान नहीं है, वो नास्तिक है। और आंखें खोल के कहो कि भगवान है तो
भगवान तुम्हारे सामने नजर आए। और ऐसा सोचने वाला आस्तिक है, जो तुम्हारी आंखें बंद हैं, उसे खोलो, आंखों पर बंदी पट्टी खुल जाए तो सब कुछ नजर आता है। हाँ ठीक है स्वामी, आप जो कहते हैं मैं वही करूँ। सब कुछ स्वामी शरण आपका की कृपा। क्या बोला? मेरी शक्ति देखना चाहता है तू? ओके, माला डालने से मेरी शक्ति कम हो जाएगी? मुझे क्षमा कर दो स्वामी, गलती हो गई स्वामी। राकेश के लिए कैसे रुकावटें पैदा करता हूँ। स्वामी, आप अय्यप्पा को माला डालने की सोच रहे हैं? हाँ। मेरी एक गुजारिश है, क्या आप पूरी करेंगे? हाँ बोलिए। ये स्वामी तक पहुँचा देंगे? हाँ पहुँचा दूंगा। ये पोटली आप स्वामी अय्यप्पा तक पहुँचा दीजिए। हाँ मैं इसे जरूर पहुँचा दूंगा। स्वामी, उस पोटली में क्या है स्वामी? मैं ही हूँ, मतलब काला तिल। उससे पूजा के सामग्री अपवित्र हो जाएंगे, और एक बार अपवित्र हो जाने के बाद 15 दिन तक माला नहीं डाल सकते, और ये बात गुरुजी राकेश को बता दिए होंगे। और आप राकेश 15 दिन माला से दूर रहेगा। वाह क्या कमाल का दिमाग है, क्या दिमाग है। बेटी श्रावणी, श्रावणी आई। पिताजी कैसे है? पिताजी मैं तो ठीक हूँ, भगवान की दया है। तुम सब लोग कैसे हो? बच्चे की तबीयत तो ठीक है ना? अब कैसा है वो? दामाद जी कहाँ है? वो तो बाहर गए हुए पिताजी, रात में बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो गई थी इसलिए मैं घबरा गई थी, लेकिन अय्यप्पा की दया से अब मुन्ना ठीक तरह से सो रहा है पिताजी। राकेश जब तक ये व्रत नहीं लेगा तब तक ये तकलीफ दूर नहीं होगी। अरे ससुर जी आप कब आए यहाँ? अभी अभी आया। बेटा मैं हनुमान जी के यहाँ से धागा लेकर आया हूँ, ये है इसे बांध लो, शनि तुम्हारे पास से फौरन भाग जाएगा। इंटरेस्टिंग, लेकिन हनुमान जी का और शनि का भला इससे क्या संबंध है? है बेटा, शनि को सिर्फ हनुमान जी को ही कुचलने का वरदान प्राप्त है, समझ गए ना? ये बांधते ही शनि कहां भाग जाएगा पता ही नहीं पड़ेगा। ठीक है ससुर जी। मंत्र फेंके जा रहे हैं पर इसका तो कोई असर ही नहीं हो रहा है।
जब तक हनुमान जी का धागा बन रहा है आप कुछ नहीं कर सकते स्वामी। श्री स्वामी शरणमय्यप्पा। स्वामी शरणमय्यप्पा, स्वामी शरणमय्यप्पा। स्वामी शरणमय्यप्पा। स्वामी शरणमय्यप्पा। स्वामी शरणमय्यप्पा। अब क्या स्वामी? आज माला पहनने से क्या होता है? अभी स्वामी अय्यप्पा का दर्शन करता हूँ, उसके बाद अपना कोप दिखाऊंगा मैं। शरणमय्यप्पा, देखो स्वामी, ये माला पहनने के बाद कुछ नियम है। मुख्यतः माला के हर दाने दाने में भक्त बसा है, साक्षात देव देवता के रूप हैं। रोज सुबह दोपहर शाम स्नान करना चाहिए और सिर्फ एक समय अन्न भोग करना चाहिए और स्वामी का नाम लेना चाहिए और शाम में सिर्फ फल का भोग करना चाहिए। पाँव में बिना चप्पल के ही चलना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, गले की माला नहीं निकलनी चाहिए। जब ये व्रत रखा हो तो एक बात का ध्यान रहे, सर के बाल, दाढ़ी, नाखून भी नहीं काटना चाहिए। इस तरह ब्रह्मचारिता का पालन करके योगी की तरह जीना अय्यप्पा को बहुत अच्छा लगता है। तकिया, गद्दा या बिस्तर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जमीन पर चटाई बिछा कर ही सोना चाहिए, यही उत्तम रहेगा। स्वामी की दृष्टि में हम सभी एक समान हैं। स्वामी को हरदम विभूति, चंदन, कुमकुम से पूजा करनी चाहिए। माला पहनने के बाद धूम्रपान और मदिरा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इंसान होने के नाते, इंसानियत के नाते जो कोई भी तकलीफ में है उसकी मदद करनी चाहिए। हर रोज कोई न कोई मंदिर में जाना जरूरी है। स्वामी अय्यप्पा जितनी बार बोलेंगे उतना ही आपके लिए बहुत ही अच्छा है। गंदी भाषा या शब्द नहीं बोलना चाहिए। झूठ की जगह, अपवित्र जगह, जुआ की जगह से आपकी विद्या और व्रत भंग हो सकता है। इस माला में बहुत शक्ति है। व्रत के समय अन्नदान करना चाहिए, नहीं तो कम से कम 5 पंडित को अन्नदान करना चाहिए। स्वामी को कपूर की खुशबू बहुत पसंद है, इसलिए सुबह शाम कपूर की आरती करनी चाहिए। इस व्रत के समय
उम्र, ओहदा, छोटा बड़ा कोई मायने नहीं रखता। सभी लोगों के चरण छूने चाहिए, सभी समान होने चाहिए, और जो भी ये माला डालता है उन सबको ये पालन करना चाहिए। स्वामी शरणमय्यप्पा। और एक मुख्य बात है, स्वामी को अष्टाभिषेक बहुत प्रिय है। स्वामी का इस तरह से अभिषेक करने से भक्त के सारे पाप हमेशा के लिए धुल जाते हैं। स्वामी दूत तुम्हारा हूँ, स्वामी
स्वामी शरणम शरण दो आयप्पा कहाँ हो देवा हरिहर तनया दो खोल के पथ को स्वामी दूत तुम्हारा हूँ भक्तों को है शरण तुम्हारा उनके दिलों में शरण बनो मकर ज्योति दिल में जल लो मिलेंगे सब कुछ तुम न डरो नित्य मिलेंगे शरण यहाँ तब नम गाओ शरण यहाँ चांद सूरज सदा गवार रहे जहाँ ऐ मालिक तेरे बंदे हम पूरब पश्चिम साक्षी यहाँ सब कुछ मिलेगा तुमको वहाँ मंत्र शक्ति दिव्य दृष्टि उसकी प्राप्ति होगी यहाँ नित्य मिलेंगे शरण यहाँ तब नम गाओ शरण यहाँ चांद सूरज सदा गवा रहे जहाँ ऐ मालिक तेरे बंदे हम पूरब पश्चिम साक्षी यहाँ सब कुछ मिलेगा तुमको वहाँ मंत्र शक्ति दिव्य दृष्टि उसकी प्राप्ति होगी यहाँ भक्तों को है शरण तुम्हारा उनके दिलों में शरण बनो मकर ज्योति दिल में जल लो मिलेंगे सब कुछ तुम न डरो हरिहर तनया दो खोल के पथ को स्वामी दूत तुम्हारा हूँ भक्तों की है शरण तुम्हारा उनके दिलों में शरण बनो मकर ज्योति दिल में जल लो मिलेंगे सब कुछ तुम न डरो नित्य मिलेंगे शरण यहाँ तब नाम गाओ शरण यहाँ चांद सूरज सदा गवा रहे जहाँ ऐ मालिक तेरे बंदे हम पूरब पश्चिम साक्षी जहाँ सब कुछ मिलेगा तुमको यहाँ मंत्र शक्ति दिव्य दृष्टि उसकी प्राप्ति होगी यहाँ भक्तों की है शरण तुम्हारा उनके दिलों में शरण बनो मकर ज्योति दिल में जल लो मिलेंगे सब कुछ तुम न डरो नित्य मिलेंगे शरण यहाँ तब नाम गाओ शरण यहाँ चांद सूरज सदा गवा रहे जहाँ ऐ मालिक तेरे बंदे हम पूरब पश्चिम साक्षी जहाँ सब कुछ मिलेगा तुमको यहाँ मंत्र शक्ति दिव्य दृष्टि उसकी प्राप्ति होगी यहाँ शरण दो आयप्पा कहाँ हो देवा हरिहर तनया दो खोल के पथ को स्वामी दूत तुम्हारा हूँ भक्तों को है शरण तुम्हारा उनके दिलों में शरण बनो मकर ज्योति दिल में जल लो मिलेंगे सब कुछ तुम न डरो नित्य मिलेंगे शरण यहाँ तब नाम गाओ शरण यहाँ चांद सूरज सदा गवा रहे जहाँ ऐ मालिक तेरे बंदे हम पूरब पश्चिम साक्षी जहाँ सब कुछ मिलेगा तुमको वहाँ मंत्र शक्ति दिव्य दृष्टि उसकी प्राप्ति होगी यहाँ भक्तों को है शरण तुम्हारा उनके दिलों में शरण बनो मकर ज्योति दिल में जल लो मिलेंगे सब कुछ तुम न डरो नित्य मिलेंगे शरण यहाँ तब नाम गाओ शरण यहाँ
चांद सूरज सदा गवा रहे जहाँ, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, पूरब पश्चिम साक्षी जहाँ, सब कुछ मिलेगा तुमको वहाँ, मंत्र शक्ति दिव्य दृष्टि उसकी प्राप्ति होगी यहाँ। मैं जाकर आता हूँ श्रवणी, बच्चे का ध्यान रखना। Me.
जाकर आता हूँ श्रावणी, बच्चे का ध्यान रखना। अब तक तो सब याद आ गया होगा ना? याद आया ना? हाँ, याद आ गया स्वामी। चलो मैं रास्ता दिखाऊंगा। हाँ। स्वामी शरणमयी अप्पा। स्वामी शरणमयी अप्पा। हाँ वो देखो वहाँ पर। हाँ। स्वामी अयप्पा का मंदिर। श्री स्वामी शरणमयी अप्पा। स्वामी शरणमयी अप्पा। स्वामी आप नहीं होते तो स्वामी 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 आपने खुद ही मुझे अपने पास बुला लिया। स्वामी स्वामी शरणमयी अप्पा। सबके दुख दूर करे स्वामी शरणमयी अप्पा। सब लोगों की रक्षा करे स्वामी शरणमयी अप्पा। स्वामी शरणमयी अप्पा। कुछ भी कहो शिष्य, आखिर राकेश ने स्वामी के दर्शन कर ही लिया। आप उसे रोक ही नहीं पाए स्वामी। मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसी बात कर रहे हैं आप? अपनी बात से पलट रहे हैं स्वामी। अरे पागल, शनि मतलब रास्ता दिखाता है, विनाश नहीं करता। शनि मतलब कर्तव्य करे, आलसी नहीं। शनि मतलब सच्चाई, छल कपट नहीं। शनि मतलब मानवता, जलन देश नहीं, अहंकार नहीं। शनि मतलब वेदांत, झूठ नहीं, धोखा नहीं। ये शनि किसी को पकड़कर सही रास्ते पे लाने का प्रयास करता है, किसी का सर्वनाश नहीं करता है। ये कभी प्राणियों का अमंगल नहीं किया,
राकेश की अवस्था भी ऐसी थी। राकेश जो भगवान को नहीं मानता था, इसलिए उसके पति क्रूरता दिखाना पड़ा। कठिनाइयों से निकलना ही इंसान का धर्म है। क्या बात कही है? राकेश का अहंकार भी खत्म हो गया, इसलिए वो अयप्पा का दर्शन कर पाया। अब मेरा कर्तव्य खत्म हो गया। चलो एक और भाग्यवान को पकड़ते हैं। चलो भाग्यवान को पकड़ेंगे या भाग्यवान को? पागल, जिसका वक्त अच्छा आने वाला होता है उसको हम पहले पकड़ते हैं। मैं समझा नहीं स्वामी। कांटे जो चुभाते हैं वो हम पाप करते हैं। कांटे निकालते वक्त जो उन्हें दर्द होता है उसे वो लोग शनि समझते हैं। कांटा बाहर आने के बाद जब सुकून मिलता है तब वो लोग ये भूल जाते हैं कि उसे जो मिला है वो सिर्फ मेरी वजह से मिला है। पर मेरा तो एक ही मंत्र है कि सब लोग सुख शांति से रहे। स्वामी मैंने भी आपको गलत समझा स्वामी, मुझे क्षमा कर दे स्वामी। क्षमा किया। चलो शिष्य। अरे पिताजी आप कब आए? अभी आए बेटी, बैठो। पता नहीं पिताजी वो कब लौटेंगे। बस हो गया, समय आता ही होगा। कहीं किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गए ना? अरे भगवान के दर्शन करने गए हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम होगा। कैसे हो ससुर जी? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, तुम्हारा सफर कैसा रहा? हाँ भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। हाँ श्रवणी बेटा कैसा है? अभी तो पहले से बेहतर लग रहा है मुन्ना। पता है श्रवणी, भगवान के दर्शन करने गया था, वहाँ मुझे कोई भी बच्चा नजर आता था तो मुझे अपने बच्चे की याद आती थी। बस ऑपरेशन हो जाए तो सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। हो जाएगा श्रवणी, कभी तो वक्त हमारा साथ देगा, बच्चे का ऑपरेशन भी हो जाएगा। हेलो, मैं डॉक्टर जगन्नाथ बोल रहा हूँ। मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोमनाथ इंडिया है। अगर तुम बोलो तो मैं उनसे मुन्ना के ऑपरेशन के बारे में बात करूँ। हाँ ठीक है डॉक्टर, भगवान ने हमारे लिए इतना किया है तो अब हमारे स्वामी हमारे बच्चे का ऑपरेशन जरूर करवा देंगे। तुम्हारे मुंह से भगवान का नाम, लगता है आजकल भगवान को मानने लग गए हो। ऑल द बेस्ट। ओके डॉक्टर, ठीक है, जरूर जरूर। किसका फोन था? डॉक्टर जगन्नाथ का फोन था। क्या बोल रहे थे? डॉक्टर सोमनाथ इस वक्त इंडिया आए हुए हैं। हाँ ऐसा? हाँ। ये सब मकर ज्योति की महिमा है। अब तो बस ऑपरेशन के पैसों का बंदोबस्त हो जाए तो हमारा मुन्ना ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हम लोगों ने जो टेंडर भरा था ना सर, हाँ। वो पास हो गया सर, और एडवांस के तौर पे उन लोगों ने 1.5 लाख रुपए का ड्राफ्ट भेजा। अरे खुशखबरी मिली है, अब देरी किस बात की, दमाजी डॉक्टर को फोन कीजिए। इधर चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हेलो डॉक्टर साहब, ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। अब बस करो मुन्ना, जल्दी से तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा, उसके बाद तुम बहुत खेलना। स्वामी अय्यप्पा की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया, हमारे बच्चे का ऑपरेशन भी सफल हो गया। जय स्वामी अय्यप्पा, जय स्वामी अय्यप्पा, जय स्वामी अय्यप्पा।